साथियों, हमारे देश में 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग है तो 10 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन हमारे वरिष्ठ नागरिक भी है। एक आयु के बाद सुविधा के अनेक उपकरणों की जरूरत हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों को होती है, हमारे सीनियर सिटीजन्स को होती है। किसी को चलने में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत, सीनियर सिटीजन्स के जीवन से इस परेशानी को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गरीब वरिष्ठ नागरिकों को भी जरूरी उपकरण मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने 3 साल पहले राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत करीब 1.25 लाख सीनियर सिटीजन्स को जरूरी उपकरण दिए जा चुके हैं। वयोश्री योजना के तहत आज यहां भी अनेक हमारे सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को उपकरण देने का सौभाग्य और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य आज इस पवित्र नगरी में मुझे मिला है। भाइयों और बहनों, 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी शुरू की थी। इसका मकसद यही था कि अगर बाजार में ब्याज दरें कम हो जाए तो इसका प्रभाव उन पर कम से कम पड़े। आप में से अनेक लोग ये जानते हैं कि मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। मैं आज यहां पर एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा। सामान्य रूप से हमारे सीनियर सिटीजन या जिनको पेंशन मिलती है ऐसे नागरिक सैलरी क्लास रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद उसके ब्याज से अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन कभी कभी बैंकों में संकट आ जाता है, बैंक डूब जाती है, कुछ कारोबारी धोखा कर देते हैं और कभी कभी हमारे इन सीनियर सिटीजन्स के मेहनत की कमाई के पैसे डूब जाते हैं। इस बार पार्लियामेंट में गरीबों की चिंता करने वाली, बुजुर्गों की चिंता करने वाली, सीमित आय में जीवन गुजारने करने वाले मेरे देश के भाइयों बहनों के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुत लोग ऐसी बातों की चर्चा न हो इसके लिए बड़े सजग रहते हैं। इतना बड़ा निर्णय किया है जिसकी मांग सालों से होती थी। पहले अगर बैंक में आपके 10 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, अगर बैंक डूब गई तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता था। हमने नियम बदल दिया और अब 1 लाख की जगह पे 5 लाख कर दिया। इसका मतलब हुआ कि करीब करीब 99% जिनके पैसे बैंकों में होते हैं वो सुरक्षित हो गए, अब उनके प्रति कोई संकट नहीं आएगा। ये काम इस बजट में हमने कर दिया है और इसके कारण बैंकों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इसके कारण सामान्य व्यक्ति
अपने पैसे कहीं साहूकार के यहां रखने के बजाय बैंक में रखने के लिए आगे आएगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कदम हैं। उसी प्रकार से पेंशन के विषय में, इंश्योरेंस के विषय में, पहले पॉलिसी बहुत कम अवधि के लिए खुलती थी, लेकिन 2018 में इसको 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। सिर्फ अवधि नहीं बढ़ाई बल्कि मासिक पेंशन को भी 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। मुझे संतोष है कि आज इस योजना का लाभ 3.25 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन उठा रहे हैं। साथियों, परिवार के साथ साथ बुजुर्गों का ध्यान रखने का दायित्व समाज का भी है, सरकार का भी है। इसी दायित्व बोध को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, योगी जी की सरकार काम कर रही है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और देश को आगे बढ़ाने में लगाया है, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। बीते कुछ समय में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो अन्य योजनाएं शुरू की हैं, उनसे भी उन्हें लाभ हो रहा है। बीते 5-5.5 वर्षों में वरिष्ठ जनों का इलाज का खर्च पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। जन औषधि केंद्रों में तमाम दवाइयों की कीमत बहुत कम हुई है। वहीं हार्ट स्टेंट और घुटनों के ऑपरेशन से जुड़ा सामान 70-80% तक सस्ता किया गया है। सीनियर सिटीजन्स को टैक्स से लेकर दूसरे निवेश तक में हर संभव सुविधाएं दी जा रही है। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार करीब करीब हर गरीब के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक हो या फिर मेरे किसान, मेरे खेत मजदूर, मेरे छोटे व्यापारी हो या छोटे दुकानदार, सभी के लिए सरकार ने अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की है। इसका बहुत बड़ा लाभ गरीबों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद भी मिलेगा। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बीमा योजनाएं, उनका भी लाभ गरीबों को, दिव्यांगजनों को, सीनियर सिटीजन्स को अलग से हो रहा है। गरीब से गरीब देशवासी भी बीमा की सुविधा से जुड़े, इसके लिए 2-2 लाख रुपए के बीमा की 2 योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 रुपया प्रति महीना, यानी महीना का सिर्फ 1 रुपया, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 1 दिन का 90 पैसा, उतने कम प्रीमियम उनका इंश्योरेंस निकाला जा रहा है। अभी तक 24 करोड़ से ज्यादा हमारे साथी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं और मुश्किल समय में उन्हें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भी इन परिवारों तक पहुंच चुका है।